दोस्तों वर्तमान समय में YouTube में ब्लॉगिंग वीडियो काफ़ी ज़्यादा जनप्रिय उठा है। आप मैं हम सभी लोग ब्लॉगिंग वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस ब्लॉगिंग वीडियो को देखते देखते काफ़ी समय तक हमको भी ऐसा लगता है कि अगर हम भी एक ब्लॉगिंग वीडियो को चैनल खोल के ब्लॉगिंग वीडियो बनाते हैं तो फिर इसमें बुराई क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और ब्लॉगिंग वीडियो से रिलेटेड 5 टिप्स दूंगा। और इस वीडियो के अंदर में एक स्पेशल टिप्स रहेगा जो आप लोगों को ब्लॉगिंग वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटर्स जर्नी में। तो दोस्तों आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है कि एक ब्लॉगिंग वीडियो बनाएंगे तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ब्लॉगिंग वीडियो का कुछ कैटेगरी है। इसके अंदर ये है कि आप चाहे तो ट्रैवलिंग ब्लॉग बना सकते हैं या फिर आप फूड ब्लॉग कर सकते हैं या फिर आप लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो अब दोस्तों ट्रैवलिंग ब्लॉग क्या है? दोस्तों ट्रैवलिंग ब्लॉग ये है कि आप कहीं घूमने गए तो उस जगह को अपने कैमरे कमरे से लोगों को दिखाया कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप डिस्कस कर रहे हो। और लाइफस्टाइल ब्लॉग में क्या है कि आपका दिनचर्या को आप कैसे काट रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, इन्हीं चीज़ों को कैमरे कमरे से लोगों को परिचय करवा देना, ये दोस्तों आपका लाइफस्टाइल ब्लॉग हो गया। इसके अलावा आप अगर फूड ब्लॉगिंग करते हैं तो फिर आप अलग अलग जगह में जाके इस जगह का खाना अच्छा है, इस जगह के खाने में ये चीज़ें डलता है, इसी प्रकार की चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉगिंग की जो कैटेगरी है उसके बारे में बता दिया। अब मैंने मान लिया कि आपने इस कैटेगरी के बीच में से आपने एक कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों आप सवाल ये है कि वो टिप्स क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर मेरा पहला टिप्स ये है कि एक ब्लॉगिंग वीडियो बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है दोस्तों एक स्टोरी या फिर एक कहानी। और मैंने खुद भी इस चीज़ को फॉलो किया है क्योंकि मैं खुद भी ब्लॉग वीडियो काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ। तो उन ब्लॉग वीडियोस में मैंने जिस चीज़ को फॉलो किया है वो ये है कि ब्लॉग वीडियो में दोस्तों स्टोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों आप जिस ब्लॉग वीडियो को बना रहे हो उसको एक स्टोरी होना होगा कि इस पर्टिकुलर स्टोरी के ऊपर आप अपना ब्लॉग वीडियो को बना रहे हो। तो आप मान लीजिए कि आपने एक स्टोरी को सेलेक्ट कर लिया है, आप इस जगह से इस जगह घूमने जाएंगे जो आपकी कहानी है, आपको ये चीज़ें करना है, इस सिक्वेंस में रहेगा। अब बात ये है कि आप अगर उस वीडियो को ऐसे ही लोगों के सामने लेकर आ जाते हैं तो फिर लोग उस वीडियो को एक बार में देखने में बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपके वीडियो को बीच बीच में लाना होगा सिनेमेटिक शॉर्ट्स। दोस्तों सिनेमेटिक शॉर्ट्स मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को स्लाइड शो करके दिखाना या फिर किसी चीज़ को टाइम लैप्स करके दिखाना या फिर किसी चीज़ को स्लो मोशन करके दिखाना। तो इन चीज़ों को अगर आप अपने वीडियो में यूज़ करते तो फिर आपको जो ब्लॉग वीडियो वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो इन चीज़ों को लगभग आपने अपने ब्लॉग वीडियो में यूज़ कर लिया है। उसके बाद आ जाता है गुड एडिटिंग। अगर आप अपने ब्लॉग वीडियो को अच्छे से एडिट नहीं करते हो तो फिर उस वीडियो को देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एक वीडियो का एडिटिंग है जो एक खराब वीडियो को भी अच्छा बनाने की क्षमता रखती है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेकंड टिप्स कि ब्लॉग मतलब होता है एक कहानी। कहानी मतलब ये है कि पहले के दिनों में क्या होता था कि हम अपने दिनचर्या को एक डायरी में लिख कर रखते थे। तो आगे चलकर क्या हुआ है कि ब्लॉगर करके जो वेबसाइट है वहाँ पर हम लोग डिजिटली उन चीज़ों को टाइप करके रखते थे। तो अभी तो और ज़्यादा डिजिटल हो गया है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि उन चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं। तो ब्लॉग दोस्तों उसी का एक भाग है। तो हम अपने लाइफ की जो कहानी है उन चीज़ों को डायरी में जिस तरीके से लिख कर रखते थे, ठीक उसी प्रकार से लोगों के सामने अगर वीडियो के माध्यम से अगर हम लोगों को दिखाते तो फिर काफ़ी सारे लोग हमारे लाइफस्टाइल को या फिर हमारे दिनचर्या को देखने में इंटरेस्ट शो करेंगे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑडियंस आपके वीडियो को देखते रहेंगे। तीसरा टिप्स, और इसको आप टिप्स भी कह सकते हैं या फिर एडवाइस भी कह सकते हैं, और वो ये है कि अगर आप सोचते हैं कि आप पैसों के लिए ब्लॉग शुरू करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन होगा। क्योंकि देखिए पैसों के लिए कुछ भी करने से वो दोस्तों आसानी से सफल नहीं होता है, एक समय आने के बाद आप खुद को ही ब्लेम करते रहेंगे। तो पैसों के लिए ब्लॉगिंग करने से दोस्तों कभी भी कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि आपके लाइफ में बीता हुआ कुछ खूबसूरत पल को आप स्टोर करके रखना चाहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो फिर आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड होते तो फिर आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक समय में जाने के बाद आपका यही इंटरेस्ट आपको पैसे इनकम करने में हेल्प करेगा। चौथा टिप्स ये है कि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम देखेंगे कि हम जब भी ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करते हैं या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की कोशिश करते तब हमारे मन में एक ख्याल आता है कि हम इसके जैसे बनेंगे, ये ब्लॉगर जिस तरीके से वीडियो बनाता है हम भी वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए वो ब्लॉगर भी दोस्तों बहुत ही मेहनत करके उस जगह पर पहुंचा है। और एक और बात ये है कि उनके लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके अगर हम चलना चाहते हैं तो फिर ये दोस्तों बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का लाइफ स्टाइल कभी भी सेम नहीं हो सकता। वो दिख रहा है कि एक 5 मंजिला मकान में रहता है और मैं रहता हूँ एक टूटा फूटा घर में, तो फिर उसका लाइफ स्टाइल और मेरा लाइफ स्टाइल मैच नहीं कर रहा है। वो दिख रहा है कि एक बढ़िया जॉब करता है और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो फिर उसका लाइफ स्टाइल और मेरा लाइफ स्टाइल मैच नहीं कर रहा है। इसलिए दूसरों को कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। आप जो हो उसी को ब्लॉग के जरिए लोगों को दिखाइए और रियलिटी दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रियल और जेन्युइन चीज लोग हर समय देखना पसंद करते हैं। मेरा 5वां टिप्स ये है कि ब्लॉग स्टार्ट करते वक्त आप कभी भी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है कि जब कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोचते हैं कि मैं एक ट्राईपॉड खरीद लूँगा, एक DSLR खरीद लूँगा,
एक क्या कहते हैं ड्रोन खरीद लूंगा, एक गोप्रो खरीद लूंगा, मतलब इस तरीके से हर चीज़ें खरीदने की कोशिश करते। तो दोस्तों एक बात बताना, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि मैं तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो वेस्ट बंगाल में हर फैमिली को ज़्यादा हाईफाई नहीं है, हर किसी के पास काफ़ी सारा पैसा नहीं होता है। इसीलिए इस ब्लॉगिंग के पीछे अगर आप काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर आगे चलकर दिखता है कि इस ब्लॉग से आपको कोई भी इनकम नहीं होती है, तो फिर दोस्तों आप खुद को ही ब्लेम करते रहेंगे। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप स्टार्टिंग में ब्लॉग के पीछे पैसे इन्वेस्ट बिल्कुल ही मत कीजिए। आप एक मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आगे चलकर धीरे धीरे जब आप ब्लॉग से पैसे इनकम करना शुरू करेंगे, तब आप चाहे तो आप अपने हर चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको दूंगा स्पेशल टिप्स। तो वो स्पेशल टिप्स क्या है, देखिए दोस्तों ब्लॉगिंग अगर आप करते हैं, जी हाँ दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो फिर शर्म को आपको अपने से कोसों दूर रखना होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई शर्म नाम की चीज़ रहती है, तो फिर आप ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में जाके। क्योंकि पब्लिक प्लेस में जाके हाथों को ऐसे करके ब्लॉगिंग करना सच में बहुत कठिन काम है, और आपके मन में एक सवाल आता है कि कौन क्या बोल रहा है, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, तो फिर आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। और एक चीज़ सोचना कि कौन क्या बोल रहा है, इससे आपको कुछ भी नहीं आता जाता। आप अपने हिसाब से लोगों को एक्सप्लेन करते रहेंगे, बहुत सारे ऑडियंस आपको देख रहा है, आपके आसपास कौन क्या देख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इससे आपका कोई मैटर नहीं करता है। आपको जो ऑडियंस देख रहा है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों शर्म को आपको अपने से बहुत ही दूर रखिए, तभी आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो फिर एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर अभी तक अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।